रिएक्शन आते हैं ईथर्स के जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल अराइल ईथर में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, इसके लिए आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए। देखिए सारे जितने भी ये पॉइंट्स है ना, ये जितनी भी रीजनिंग है ये सारी पुरानी है, कोई नई चीज नहीं बता रही हूं। जैसे कि बताया था फिनॉल, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। आप ये देखें इसके पास लोन पेयर होते हैं, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, चाहिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, वो कहां अटैक करना प्रेफर करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो। तो इस वजह से, हाँ इस वजह से ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने देखिए सबके सेम है, फिनॉल के भी सेम है, वो जो हेलो। बाकी एक चीज ध्यान हो, मैंने ये कहा था कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, या क्लोरो कह दो या ऊपर कह दो, एक्स भी हो सकता है, क्लोरो की जगह पे आई भी हो सकता है ना, तो एक्स कह दो। ये जो हेलोबेंजीन होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव। ये जो हेलो ग्रुप होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये डीएक्टिवेटिंग होता है, मतलब ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो डोमिनेटिंग जो ग्रुप इफेक्ट होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर। हाँ, जो प्लस आर इफेक्ट होता है ना, वो माइनस आई से डोमिनेटिंग नहीं होता है, प्लस आर से सिर्फ डायरेक्शन मिलेगी ऑर्थो या पैरा की, बाकी रिएक्टिविटी डिसाइड नहीं होती है। ये क्यों, डोमिनेटिंग कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से छीन लेता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। ये बताया था आपको। और एक और चीज फिनॉल्स में बताई थी कि अगर आप फिनॉल की बात करें, फिनॉल में भी ऑर्थो पैरा डायरेक्शन होती है, लेकिन फिनॉल में प्लस आर इफेक्ट जो होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, ये डोमिनेटिंग होता है। तो इसकी वजह से जो OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से लगाओ तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। मतलब फिनॉल की रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है। ऐसे ही मैं ये कह रही हूं, अगर फिनॉल के ये बेंजीन रिंग के साथ OR लगाओ, अल्कोक्सी ग्रुप लगाओ, तो ये क्या करता है, इट ऑल्सो एक्टिवेट द बेंजीन रिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस आर डोमिनेटिंग होता है। तो प्लस आर से सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती है ऑर्थो पैरा, बल्कि इस केस में एक्टिवेशन एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी वो दिखा देता है। तो ये मैंने फिनॉल में ये चीजें सारी एक्सप्लेन कर दी थी, तो इसीलिए तो बोला है जो पिछला कंसेप्ट है वो आगे यूज होगा। ये समझ में आ गया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और दूसरा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। यस मैम। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसमें हेलोजिनेशन होती है। तो अगर आप हेलोजिनेशन करोगे, पैरा और ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा आपका। तो यहां पे अगर इसका नाम देखें, इसका अगर मैं नाम देखूं ना, तो वन मिथॉक्सी का एम पहले आता है या ब्रोमो का बी? ब्रोमो का बी। तो नंबरिंग करूंगी ब्रोमो से, तो इसका नाम होगा फोर मिथॉक्सी ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो अभी मैं आगे नाम भी दिखा दूंगी। तो जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर अमाउंट में बनेगा। जो बेटा ईथर्स होते हैं ना, ये अराइल अल्काइल ईथर्स, इनके अंदर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन भी देखने को मिलता है, मतलब इनमें अल्काइलेशन भी होती है, आर ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं ऑर्थो और पैरा पे, और असाइल ग्रुप भी। अब इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रिडलक्राफ्ट जो है पहले कर लिया है। तो असाइलेशन में क्या होता है, आर सीओ सीएल के साथ रिएक्शन करते हैं, और यहां पे असाइल ग्रुप मतलब सीओ आर ग्रुप, इसको मैं क्या बोलती हूँ, असाइल ग्रुप।
और अगर R की वैल्यू CH3 के बराबर हो तो इसको बोलते हैं एसिटाइल, स्पेसिफिक नेम हो गया। जैसे सिंपल R का नाम क्या होता है, अल्काइल, लेकिन अगर R जो है CH3 के बराबर हो तो मिथाइल होता है। इसी तरह से जो COR अगर जर्नल ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं असाइल, अगर R की वैल्यू इस वाले केस में CH3 के बराबर है तो एसिटाइल। और अगर आप भूल जाते हैं कि क्या बोलते हैं तो आप ध्यान रखिए, एसिटिक एसिड में दो कार्बन होते हैं तो उसी से आ रहा है तो एसिटाइल। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा आगे मैं पढ़ाऊंगी कार्बोक्सिलिक एसिड, ना जो एरोमेटिक एसिड्स होंगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाले, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं वो मैं आगे रीजन बताऊंगी, लेकिन जो ये आपके ईथर्स है ना, ये वाले ईथर, कौन से ईथर, अराइल अल्काइल ईथर, एक तरफ आर ग्रुप लगाओ ऑक्सीजन के, एक तरफ एरोमेटिक रिंग हो, ये रिएक्शन दिखाते हैं, ये फ्रिडल क्राफ्ट दिखाते हैं। लेकिन आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो बेंजोइक एसिड होगा वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, उसका रीजन तभी डिस्कस करेंगे। देन इनमें नाइट्रेशन भी हो जाती है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है, पैरा भी मिलता है, पैरा जो है वो मेजर अमाउंट में मिलता है, ठीक है। ओके मैम। अब बेटा ये देखिए इसका नेम, एक मिनट सॉरी, ये लास्ट है, हाँ नेम मैं बता रही थी, तो मैंने कहा था ना कि देखिए जो ये फ्रिडल क्राफ्ट के लिए, पहले ये फ्रिडल क्राफ्ट के लिए भी इन्होंने नेम लिखा हुआ है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये आपका तो वैसे भी इसके अंदर ना इसे टॉल्यूइन बोलते हैं, तो टू मिथॉक्सी टॉल्यूइन, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हो ना तो इसको टॉल्यूइन बोलते हैं। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा बनेगा, ऐसी नाइट्रेशन हो रही है तो टू नाइट्रो एनिजोल, क्योंकि नाइट्रो और मिथॉक्सी में जो है प्रेफरेंस जो है वो हम किसको देते हैं, मिथॉक्सी को देते हैं, तो इसको बोलते हैं एनिजोल। तो ये आप नेमिंग थोड़ी सी इसमें देख लेंगे। देन बेटा एंड एंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो ईथर में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये एसिड क्लीव कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एसिड की वजह से प्रोटोनेशन हो जाती है और ये बॉन्ड जो है वीक हो जाता है, लेकिन ये बॉन्ड जो है ईथर के अंदर बेस क्लीव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ईथर्स होते हैं खुद ही लुईस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, तो ये हाँ तो ये वो चीज लिखी हुई है इन्होंने, बिकॉज दे देमसेल्फ आर लुईस बेसिस, ठीक है, समझ आ गया ये। यस मैम। अब एक हाँ, क्योंकि ये लास्ट पेज ही है, इसमें एक क्वेश्चन है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि अगर आप कंपेयर करें, किसको कंपेयर करें, रिएक्टिविटी को, फिनॉल की और एनिजोल की, हालांकि जो दोनों फिनॉल भी और एनिजोल दोनों ही ज्यादा रिएक्टिव हैं बेंजीन से, क्यों, बिकॉज ये दोनों जो हैं OH और OCH3 ये दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हों, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन दोनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर करो, और इन्होंने क्वेश्चन में ये बताया है कि जो फिनॉल है वो एनिलिन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, सॉरी एनिलिन कह रही हूं, एनिजोल, जो फिनॉल है वो एनिजोल जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों, समझ आ गया क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, इसके इन्होंने दो रीजन दिए हैं। पहली बात, इन्होंने सिंपल सा बताया है कि फिनॉल और एनिजोल दोनों ही एक्टिवेटिंग होते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में ही प्लस आर इफेक्ट होता है, ठीक है। ये इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो फिनॉल है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को 1, 2, 3, 4 और 5 बोल दिया गया है, एनिजोल वाले को 6 to 10 नंबरिंग कर दी गई है। तो इन्होंने ये बोला है
कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल नहीं है, दोनों के ही स्ट्रक्चर, फिनॉल के भी और एनिजोल के. क्यों? क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रही है. अगर आपको ध्यान हो मैंने बताया था ना, देखिए पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है ये वाला मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, अलग अलग हो गए. तो इस तरह की जो स्पीशीज होती हैं बेटा, जिनमें चार्ज सेपरेशन होती है, ये अपने आप को स्टेबलाइज बनाने की कोशिश करते हैं. कैसे करेंगे? फिनॉल जो है वो अपना H रिलीज कर देगा और H प्लस बना लेगा, और एनिजोल जो है वो भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये CH3 प्लस हटा निकाल देगा. पर आपको पता होना चाहिए एच प्लस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बोकटाइन. इस वजह से जो फिनॉल है उसमें ज्यादा टेंडेंसी है स्टेबलाइज होने की. समझ आ गया? Yes. हाँ, जो फिनॉल है वो अपने आप को ज्यादा बढ़िया तरीके से क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है बाय रिलीजिंग प्रोटॉन. जबकि एनिजोल जो है वो भी स्टेबलाइज करने होने की कोशिश करेगा, बट इसमें मिथाइल कार्बोकटाइन बनेगा जो कि एक अनस्टेबल केमिकल स्पीशीज है. इसी वजह से फिनॉल जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन एनिजोल. ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ना अब पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर. अब आपको क्या करना है, ये जितना भी कंसेप्ट दिया हुआ है इसकी प्रैक्टिस करनी है.